हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही फेमस बारबेक्यू स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न। तो यहाँ पर मैंने 2 कप कॉर्न ले लिया है। इसे हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। हमें इसे कंप्लीट बॉईल नहीं करना है, क्योंकि हम इसे जो है जब डीप फ्राई करेंगे तब भी इसे कुक होना है। इसलिए हम इसको हाफ कुक करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे बॉईल करें। तो ये अब बॉईल हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे स्ट्रेन करके एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसका जो है बॉइलिंग वाटर स्ट्रेन कर लिया है और इसे जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसी में ऐड करेंगे 4 स्पून कॉर्नफ्लोर। पहले मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। फिर 1 स्पून और ले लिया है। टोटल 4 स्पून आपने कॉर्न स्टार्च लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपको ऐड करते जाना है और इसे इवनली मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे 2 स्पून आप जो है वाटर ले लें और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर लें। फिर इसके बाद 2 स्पून हमको मैदा इसके इसमें ऐड करना है। 2 स्पून मैदा पहले हम 1 स्पून ऐड कर लेंगे और इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे। पानी ऐड करने से जो इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड किया है वो बहुत अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएगा और ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो 1 स्पून मैंने और ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसी में रिफाइंड ऑयल या फिर आप जो भी ऑयल लेते हैं, सरसों का ऑयल आप ना लें। अब इन सबको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखना है। तो देखिए, ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप इसे किसी टिश्यू पेपर रख के किसी प्लेट में आप इसको निकालें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इन सबको हम फिर से एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जो भी हम चीज़ें मिक्स करें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन इसके ऊपर जो है ऐड कर लिया है और उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे जो कॉर्न हैं उनमें जो नींबू का रस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी में ऐड कर लेंगे 1 पिंच ब्लैक पेपर। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 1 पिंच ही ऐड करेंगे। और 1 पिंच रेड चिली पाउडर। आप यहाँ पर ग्रीन चिली भी फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और 1/4 स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला। आप सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो देखिए कितनी जल्दी क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, मुझे बहुत पसंद है क्रिस्पी कॉर्न। और तो देखिए कितनी कम चीज़ों से ये घर पे ही बारबेक्यू नेशन स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी से इस तरह से क्रिस्पी कॉर्न बना सकते हैं। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।